भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा की हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आपको पता होगा कि बीते दिनों पटना सिटी में भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा को किस तरीके से जब वो फुटपाथ पर बैठे थे तो उन्हें अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई और अब इसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 3 दिन पहले गुलजार बाग स्टेडियम के समीप राजा मलिक उर्फ सन्नी डोम ने साथियों को पार्टी दी थी और उस पार्टी के दौरान ही तय हुआ था कि भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा को ठोक देना है। श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना बाबा का दोष बस इतना ही था कि वो मोहल्ले में सन्नी डोम उसके दोस्तों को रोक टोक करते थे। इस बात का खुलासा गिरफ्तार करण ने चौक थाना पुलिस के सामने किया। ने यह भी बताया कि अधिक रुपए मांगने की सोच में वो अवैध शराब की तस्करी भी करने लगा। तस्करी के दौरान ही मंगल तालाब के रामदेव महतो सामुदायिक भवन के पास रहने वाले राजा मलिक उर्फ सन्नी डोम से दोस्ती हो गई। साल 2021 में करण और सन्नी डोम ने मिलकर लल्लू कुमार उर्फ नीरज की भी हत्या की थी। उस हत्याकांड में चौक थाना पुलिस ने उसे जेल भेजा था। करण ने पुलिस को बताया कि सन्नी और वो दो अक्सर नशा करते थे। करण ने अपने कबूलनामे में बताया कि सन्नी ने करण को बताया कि उसी की गली में रहने वाले भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा उर्फ मुन्ना बाबा नशा करने को लेकर बराबर उसे रोकते टोकते थे। इससे परेशान सन्नी ने मुन्ना बाबा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हत्या से 3 दिन पहले गुलजार बाग स्टेडियम के पास पार्टी में शामिल अपराधियों को पता था कि मुन्ना शर्मा रोज सुबह में 4 बजे घर से टहलने के लिए जाते हैं और इसी बीच साजिश के तहत 9 सितंबर के सुबह 4 बजे सभी चौक शिकारपुर ऊपरी सेतु के निकट एकत्रित हुए और एक अन्य दोस्त के साथ सन्नी जक्कनपुर से चोरी हुई बाइक लेकर आए। वहीं पर तय हुआ कि 2 लोग रेकी करने और 3 लोग मोटरसाइकिल से जाकर गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम देंगे। प्लान के मुताबिक श्री गुरु गोविंद सिंह पथ के पास बाइक पर सवार सन्नी करण और एक अन्य मुन्ना बाबा की टोह लेने लगे। करण ने सन्नी से कट्टा मांगा और आगे बढ़ा। कोई खतरा नहीं देख तय स्थान पर पहुंचे और इसके बाद प्लान के मुताबिक सन्नी के कहने पर सीमेंट फुटपाथ पर बैठे मुन्ना बाबा पर गोली चलाकर वहां से फरार हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद टोपी और कट्टा को करण ने घर में छिपा दिया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन के दौरान बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस बाकी उन 4 अपराधियों को भी पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए, जो पूरा मामला है वो पटना सिटी का है, जहां पर भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा को सुबह सुबह ही 3 अपराधियों द्वारा गोली मार दी जाती है और उसमें सन्नी और उनके कुछ दोस्तों का नाम सामने आया है और पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर कई खुलासे भी किए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।